जितने भी एडवेंचर्स लवर्स हैं उनके लिए उस टाइम पे खुशखबरी होती है कि ये रास्ता जो है खुल गया होता है। मैं भी हूँ आशिक मगर मैं प्यार नहीं करता। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। हमारा आज का व्लॉग जो है TRC किश्तवाड़ से शुरू होता है, जो कि बहुत अच्छा होटल है यहाँ पे। और आज हम आपको एक ऐसी जगह पे लेके जाएंगे जो पूरे जम्मू कश्मीर में कैंपेन ड्राइव के लिए सेकंड नंबर पे बहुत फेमस है। पहले नंबर पे जो है गुरेज है और सेकंड नंबर पे ये जगह है। एक बार हम इन डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगे तो आपसे भी शेयर करेंगे इस डेस्टिनेशन का नाम और इस डेस्टिनेशन की लोकेशन। तो आप तब तक के लिए व्लॉग में बने रहे, थैंक यू। अर्शद भाई जी, आदमी बोल रहे लोग। अगर यात्री करें ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्लांटेशन या प्लांटेशन नो प्लांटेशन इज रिक्वायर्ड हियर। ओहो क्या तो फाइनली जो है हम सिंथन से नीचे डॉक्सोमेरिया में जो है एंटर हो गए हैं। मेरे पीछे आपको जो बैकग्राउंड में दिख रहा होगा ये सिंथन टॉप है और अभी हम डॉक्सोम वाली साइड पे पहुंच गए। बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। आप लोग भी आइए, एंजॉय कीजिए सिंथन टॉप को। अब जो है हम लगभग मार्गन टॉप जो है यहाँ से स्टार्ट हो गया है। यहाँ से आगे जितना भी एरिया है ये मार्गन टॉप में ही पड़ता है। अभी हम खूबसूरत जंगलों के बीच में से चल रहे हैं। सिंगल रोड है और काफ़ी रश भी है यहाँ मार्गन टॉप की, और जो है बहुत सारे टूरिस्ट जा रहे हैं और आज हम भी यहीं इस तरफ जा रहे हैं। आप देख भी रहे होंगे कि कितना खूबसूरत इलाका है यहाँ पर, जंगलों के बीचों बीच में से जो रोड है, खूबसूरत नज़ारे हैं। ब्लॉक टॉप रोड है, बस आप अगर यहाँ पे आते हो तो ड्राइव थोड़ा केयरफुली किया करो, जैसे कि अभी हमारा ड्राइवर जो बिल्कुल केयरफुली नहीं कर रहा है ड्राइव। हाँ, बहुत बड़ा खड्डा बचा है। पीछे चले हैं ड्राइवर। खाते पीते घर के हैं। We are about to reach मार्गन टॉप, जिसे द डेथ वैली के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको मेरी बैकग्राउंड में दिख रहा होगा ये टॉप। बस इस टॉप को हमने क्रॉस करना है और उस तरफ जाना है, हमें वर्ल्ड वन की ओर जाएगा। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ अभी का व्यू कैसा है। ये देखो, यहाँ से खूबसूरत नदी और खूबसूरत पहाड़।
यार वर्म खालसा पहले नंबर वाला है। ये है मार्गन टॉप का जो लास्ट टॉप है, ये दो पासेस के बीच में जो है रोड जा रही है। यहाँ से बहुत सारे ट्रैक भी निकलते हैं, जो चोरनाग जाता है एक वो भी यहीं से ट्रैक निकलता है। तो फाइनली हम मार्गन टॉप जो है पहुंच गए हैं। हमने आपको व्यू भी दिखाया कि मार्गन टॉप अभी किस तरह का व्यू है यहाँ पे। बस ये जो बोर्ड्स लगे हुए हैं, ये लास्ट बाउंड्री है मार्गन टॉप की, और यहाँ से उधर जो है अब वार्ड वन स्टार्ट होता है। अब हम वार्ड वन की ओर जाएंगे और हमारा स्टे जो है वार्ड वन में रहेगा। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया हूँ। ये जो मार्गन टॉप है ये डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में पड़ता है। बहुत खूबसूरत है, एडवेंचरस है रास्ता टोटली। जो भी एडवेंचर लवर हैं उनके लिए ये ज़बरदस्त रूट है, बहुत ही ज़बरदस्त रूट है। यहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है, रिसेंटली यहाँ पे बर्फ़ निकली है, और रिसेंटली ये समझें कि आप अप्रैल के एंडिंग में ये रास्ता खुल जाता है, और जितने भी एडवेंचर लवर्स हैं उनके लिए उस टाइम पर खुशखबरी होती है कि ये रास्ता जो है खुल गया होता है। यहाँ की पहाड़ियाँ ये सामने बहुत खूबसूरत पहाड़ है, ये देख लीजिए आप। और ये वो रास्ता है जहाँ से हम होते आए हैं। मौसम बहुत ख़राब हो गया है, बहुत क्लोडी हो गया है, बारिश कुछ ही टाइम में यहाँ पे लगने वाली है। अब हम यहाँ से आगे निकल जाते हैं टाइमली, ताकि हम आगे भी जो है अच्छे टाइम पे पहुंचे, थोड़ा वहां पे भी एक्सप्लोर करें। क्या नाव छुते अलावा? तो ये तो दुकान से, ये क्या नाव? नेड़बलन। नेड़बलन क्या क्या ये पासन खाना उसका? चाय वाय मैंने बात थे, चाय बात छु कंटिन्यू बनाया। तो शो आसन कंटिन्यू ये थी अब आओ कहते इस टाइम आसन जे शन सता रहते। तो क्या हुआ यहाँ पनु नाव अलावा? इतनी अट क्या छुते काव नाव से छु ज्यादा मशहूर मजा ये हुई गुलाम अहमद देखो साहब बहुत मन का हां आनंद जी क्या काक से क्या जो गुलाम अहमद थे। चलो शुक्रिया। हम अपनी लोकेशन के बिल्कुल करीब है, कुछ ही किलोमीटर्स रहा है, हम अपने लोकेशन तक पहुंच जाएंगे। बहुत खूबसूरत इलाका है, प्लेन है टोटली, जंगल है, बीच में नदी चल रही है। देखिए ऐसी लोकेशन मैंने आज तक नहीं देखी, इतनी ज़्यादा खूबसूरत। मैं बहुत पहाड़ों में भी घूमा, बहुत ज़्यादा प्लेन्स में भी घूमा, लेकिन इस तरह की लोकेशन मैंने पहले नहीं देखी। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि जिस लोकेशन पे आज हम जा रहे हैं, ये जम्मू एंड कश्मीर की सेकेंड ऐसी खूबसूरत जगह है जो कैबिन ड्राइव के लिए बहुत फेमस हो सकती है। जो एक बार हम अपनी लोकेशन पर पहुँचेंगे उसके बाद हम आप तक भी लोकेशन को शेयर करेंगे। बस आप व्लॉग में बने रहें और वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए।
तो फाइनली हम आज की अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। तो आपको मेरी बैकग्राउंड में दिख भी रहा होगा ये टेंट्स जो लगे हुए हैं। आज हम यहीं स्टे करेंगे, टेंट्स में स्टे करेंगे। कल हम इस पूरे इलाके में घूमेंगे। आज बारिश की वजह से हम पूरा इलाका आपको नहीं दिखा पाएंगे। कल यहाँ से बहुत बड़ा एरिया है जो आपको मेरे पार भी दिख रहा होगा। ये देखो, पहले आप लोकेशन चेक करो, कितने बड़े बड़े मिडोज है और बीचों बीच इन दोनों तरफ के मिडोज के बीचों बीच में से जो है रोड जाती है। इतना खूबसूरत इलाका मैंने आज तक नहीं देखा कभी भी। मैं बहुत सारी जगह पे घूमा, बहुत सारे अपर रीचेज में घूमा, बहुत सारे बड़े बड़े मिडोज देखे, लेकिन ऐसी जैसी जगह मैंने अभी तक नहीं देखी। ये माचिस नहीं है, ये खोखा है, ये एक धोखा है। क्या है, मैं भी हूँ आशिक मगर मैं प्यार नहीं करता। मैं भी हूँ आशिक मगर मैं प्यार नहीं करता। उससे कदर करता मगर लड़की पे एतबार नहीं करता। क्या शेर शायरी चल रही है इन वादियों में, की वादियों में। आशिक साहब जिंदाबाद। चल चल लिफाफा, क्या बोला था वो? चल चल लिफाफा सफर है दूर, चल चल लिफाफा सफर है दूर, अगर मिलना है राशि मिल गई होती यार, मगर ژٕ دنوتھ راز مےٚ سۭتۍ گۄڈٕچ محبت یاد مےٚ چھُ Everyone is sad.